अलकुम डियर स्टूडेंट आज हम चेंजिंग एनी करैक्टर में ये देखेंगे कि अगर हमें ये काम क्लासरूम में करवाना पड़े ऐसा टीचर तो हम करवाएंगे कैसे तो चेंजिंग करेक्टर एक्टिविटीज़ को शुरू करने से पहले इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लर्न कि जब आप किसी करैक्टर को किसी कहानी की किताब में देख रहे होते हो तो एक्चुअली कौन सी चीज़ें आपको समझ आनी चाहिए कि ये करेक्टर कैसा दिखेगा अभी हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं उससे समझ आएंगे कि जो हमारे पास कहानी की किताबों में या आम ज़िंदगी के अंदर मुख्तफ़ करैक्टर्स होते हैं हम उन्हें कैसे उनकी ट्रेड्स को डिफ़ाइन करते हैं और फिर हम उन्हें चेंज करके स्टूडेंट को बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ दे सकते हैं सो so, हमारे पास डिफ़ाइनिंग करैक्टर में सबसे पहले आता है कि जो करैक्टर है इसका पर्पज़ उसका बैकग्राउंड कहाँ है क्या है सो so, सबसे पहले देखना ये होता है कि ये करेक्टर कहाँ से आया है क्या ये गांव का है या देहात का है या किसी मुख्तलिफ़ इलाके का है जो मुख्तलिफ़ान बोलते हैं ये करैक्टर बच्चा है भूरा है औरत है मर्द है इसकी क्या उम्र होगी आ, ये करेक्टर कोई डॉक्टर है इंजीनियर है टीचर है या आम मजदूर है कौन है और किस तरीके से ये तमाम एट्रीब्यूट करेक्टर की मोटिवेशन पर असर करेंगे आप ये देखते हैं कि करेक्टर की पर्सनैलिटी क्या है आ, उसके अंदर हम ये सब चीज़ें देख सकते हैं कि वो क्या एजेक्टिव्स हैं जिसके थ्रू तो आप उसकी पर्सनैलिटी को डिफ़ाइन कर सकते हैं जैसे कि आपके सामने एजेक्टिव लिखे हुए हैं क्या वो बहादुर है क्या वो कनिंग है क्या वो बहुत ज़्यादा बातें करता है क्या वो बहुत शाए है और टिमिड है क्या वो बहुत प्राइवेट है या बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म के उसके रिटोरिक्स हैं और फोर्सफुल है सो अगली इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है जब हम करेक्टर को देख रहे होते हैं कि उसकी अपीयरेंस कैसी दिखेगी वो कैसा होगा क्या वो लंबा है क्या वो बॉडी बिल्डर है क्या वो बहुत ही कमज़ोर है उसके बालों का रंग उसका टेक्स्चर कैसा होगा उसकी आँखों के रंग कैसे होंगे उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होगी इट इज़ अनादर करेक्टर बॉडी लैंग्वेज हमें ये बताती है कि क्या आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस से चलते हुए आ रहे हैं या आपको सोचते हुए चलते हुए आ रहे हैं आइए आपके दो कदम जो इधर उधर पड़ रहे हैं क्या आप परेशानी के आलम में चलते हुए आ रहे हैं ये पे एक शाई करेक्टर हैं जो कॉर्नर पे खड़े हुए हैं और अपनी टर्न का इंतजार कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैं लोगों से ज़रा कम बात करूं। सो so, हमारी बॉडी लैंग्वेज से भी हमारे करेक्टर ट्रेट्स के बारे में पता चलता है आ, आप जिस करेक्टर को पढ़ने जा रहे हैं या क्लास में बच्चों के साथ एक्टिविटी करने जा रहे हैं उसके बारे में ये भी सोचिए कि उसकी स्पीच क्वालिटीज़ क्या होंगी उसका एक्सेंट कैसा होगा क्या वो कोई स्लैंग लैंग्वेज बोलता होगा या बहुत ही डिसेंट लैंग्वेज बोलता होगा क्या वो सिर्फ एक ही ज़बान में बात करता है या मल्टीपल ज़बानों को इस्तेमाल करता है उसकी आवाज़ कैसी होगी उसकी टोन की पिच कैसी होगी और इसके लिए बहुत ही अच्छा है कि आप इंटरनेट की रिसोर्स को भी देखें और टसोरस में जाके जो वर्ड्स लिखे हुए हैं उनके मीनिंग को देखें कि वो क्या हैं उसमें ज़रा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया गया है कि इसकी क्या मीनिंग है जब हम स्पीच की क्वालिटीज़ को डिफ़ाइन कर रहे होते हैं तो इससे भी हमें पता चल जाएगा कि हमारे करेक्टर का मोटिव क्या है तो so, हमारे पास दो एक एग्ज़ाम्पल्स ऐसी हैं जो कि बहुत ही आसान है जो कि हम प्री स्कूल के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं सबसे पहले एग्जाम्पल जो बच्चों की मोस्ट फेवरेट एक्टिविटी है उसको हम कहते हैं ड्रेसअप गेम्स तो ड्रेसअप गेम्स में बच्चे प्रटेंट प्ले कर रहे होते हैं और बच्चे कुछ भी प्रटेंट कर सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल वो पुलिस ऑफिसर बने होंगे तो डेफिनेटली पुलिस ऑफिसर के करेक्टर ट्रेड्स उसका ड्रेसअप उसकी अपेयरेंस उसकी बॉडी लैंग्वेज उसके जो जबान की करेक्टरिस्टिक हैं वो डेफिनेटली शो कास्ट करेंगे वो एक्ट करेंगे वो आपको करके दिखाएंगे या वो टीचर बन रहे हैं कैसा टीचर बन रहे हैं जो बहुत ही ज्यादा पोलाइट है हम्बल है या जो सख्त है या मैथ का है या आर्ट का है तो देट अपॉन द टीचर्स करेक्टर इन देयर एक्टिंग केपेबिलिटीज जो वो परफॉर्म कर रहे होंगे अपनी परफॉर्मेंस में वो चीज़ें करके आपको दिखा रहे होंगे जो वो ऑब्जर्व कर रहे हैं बच्चे मुख्तिक के रोज जो हैं वो पिकअप कर सकते हैं और जो एक्चुअल दुनिया में मौजूद होते हैं और अगर आप उनको फोर्स ना करें और उन्हें रोल्स को ख़ुद चूज़ करने दें तो उनकी इमेजिनेशन में ज़बरदस्त किस्म के रोल्स मौजूद होते हैं और दे नो के हाउ टू एक्ट अपॉन देम और हर रोल के क्या करेक्टर्स होते हैं जिसको हम चेंज कर सकते हैं आ, या करेक्टर्स uh, को हम आपस में करैक्टर ट्रेड्स को मिक्सअप कर सकते हैं सो so, बच्चे डिसाइड कर सकते हैं कि वो पायरेट बनना चाहते हैं या वो नेबरहुड का कोई करेक्टर uh, बनना चाहते हैं या फादर बनना चाहते हैं मदर बनना चाहते हैं या डॉक्टर बनना चाहते हैं तो वो आपको करके दिखाएंगे कि मुख्तलिफ करेक्टर्स जो हैं वो कैसे आ, अपने डिफरेंट क्वालिटीज़ जो हैं वो शोकास्ट करते हैं आ, दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर आती है कि जब हमारे पास जो सब गेम्स हैं तो डेफिनेटली हमारे पास मटीरियल का होना बहुत ज़रूरी है कहाँ से लाएंगे ये मटीरियल जितने मज़ेदार मटीरियल अवेलेबल हो जितना वैराइटी अवेलेबल हो उतना बेहतर है आउटफिट होंगे वो पुराने कपड़े जो अब आपके बच्चे नहीं पहनते वो हो सकते हैं कोई भी अजीब वगैरह फंकी किस्म के क्लोथ्स हो सकते हैं जो आप ला के अपनी क्लासरूम में जो भी आपके ड्रामेटाइजेशन का सेक्शन है ड्रामेटिक एरिया है वहाँ पर रख सकते हैं आप किस्म के फुटवेयर रख सकते हैं जिसमें बच्चे जो हैं उसको पहन के जब चलें तो उनका जो चलने का स्टाइल है वो डिफरेंट हो जाए बिकॉज द फुटवेयर इज़ डिफरेंट इसको बच्चे बहुत ही इंजॉय करते हैं कि द वे देयर बॉडी मूवमेंट इज चेंजिंग बिकॉज ऑफ़ द फुटवेयर आप किस्म के कपड़े ला सकते हैं थान ला सकते हैं कपड़े मल्टीपर्पज़ हो सकते हैं आ, उसे पर बन सकते हैं आ, उसे टर्बन्स बन सकती हैं उससे पगड़ियाँ व्हील व्हील किस्म की डिफरेंट चीज़ें बच्चे बना सकते हैं आपको एग्जैक्ट वो चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं है वैरायटी ऑफ मटेरियल जब क्लास के अंदर अवेलेबल होता है तो बच्चे ख़ुद अपनी इमेजिनेशन को इस्तेमाल करते हुए उस मटेरियल को इस्तेमाल करते हैं और आपको खुद ही पता होगा कि आप बचपन में ख़ुद अपने पेरेंट्स की ढेर सारी चीज़ों के साथ खेलते रहें उनके शूज़ के साथ उनके कपड़ों के साथ और उन्हें कितनी वैरायटी और इमेजिनेटिव तरीके से अपने प्रटेंट प्ले में इस्तेमाल करते रहें सिंपल ड्रेसअप एक्टिविटीज़ के अंदर अब रिटेल स्टोलर से स्टोर uh, से जाके मुख्तफ़ किस्म के सस्ते कपड़े खरीद भी सकते हैं जो रोल या करेक्टर से रिलेटेड होते हैं जैसे सुपरमैन के कॉस्ट्यूम्स अवेलेबल हैं या मुख्तफ़ एनिमल्स के कॉस्ट्यूम अवेलेबल होते हैं आ, वो भी बच्चों को बहुत ही ज़्यादा फैसिनेट करते हैं अब इसके अंदर हम ये देखेंगे कि बच्चे आउटफट कैसे पहनेंगे Uh, बच्चों को हम अगर आज़ादी देते हैं कि वो अपने जो आउटफिट्स हैं उनको अपने करेक्टर के मुताबिक और अपनी क्रिएटिविटी के मुताबिक अमेंड करें और चेंज करें और बनाएं डेफिनेटली दे विल शो यू देयर क्रिएटिविटी इन इट अगर वहाँ पे कोई मिरर मौजूद होंगे दो तीन बड़े बड़े उसमें बच्चे वो कपड़े पहन के देख सकते हैं वॉक कर सकते हैं स्टाइल बना सकते हैं फनी फेसिस बना सकते हैं और uh, डेफिनेटली बच्चे वो भी जो चीज़ें अवेलेबल हैं उनको अडॉप्ट कर सकते हैं uh, अपने करैक्टर के मुताबिक मिसाल के तौर पर अगर उनको कोई आई पैच चाहिए तो वो आई पैच कैसे बनाएंगे अगर उन्होंने पर बनाने हैं तो पर बनाने के लिए उनके पास वहाँ पर क्या मटीरियल अवेलेबल है और उसको कैसे बनाएंगे दे कैन गो फॉर इट एग्ज़ाम्पल नंबर टू कि हम क्लासरूम में जब फॉर्मली ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स यूज़ करते हैं और इसके थ्रू बच्चे जो हैं वो करेक्टर परफॉर्म नहीं करते बल्कि करैक्टर को राइट अप करते हैं और देखते हैं आ, uh, कि कोई भी करैक्टर के अंदर किस किस किस्म की ट्रेट्स मौजूद होती हैं और जब वो बदल दिया जाता है तो ट्रेट्स कैसे बदल जाती हैं इसके अंदर एंकर चार्ट्स जो हैं दे आर वेरी इजी टू मेक और इंटरनेट के ऊपर आपको इसके बहुत से सैम्पल्स जो हैं वो फ्री मिल जाएंगे एंकर चार्ट के अंदर हमारे पास एक पिक्चर होती है आ, वो किसी भी लड़के या लड़की की हो सकती है मदर की हो सकती है टीचर की हो सकती है पुलिस मैन की हो सकती है और उसकी फिर हम एक लिस्ट बनाते हैं कि इस करेक्टर के क्या ट्रेट्स हो सकती हैं फिज़िकल ट्रेट क्या होंगी इमोशनल ट्रेट क्या होंगी उसकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स क्या होंगी और मुख्तलिफ किस्म की ट्रेट्स जो हैं बच्चे सोचते हैं और लिखते हैं और फिर अगर आप उस करेक्टर को चेंज कर देते हैं तो बच्चे ये देखते हैं कि करैक्टर चेंज होता है तो कैसे उसकी ट्रेट्स भी चेंज हो जाते हैं इंटरेक्टिव नोटबुक्स uh, हैं और बहुत से तरीक़े हैं उसके अंदर वेरी वेरी सिंपल वन इज़ टू डिवेलप कार्ड्स और क्रिएट योर कार्ड्स आप सिंपल पेपर लें चाहे एक से ज़्यादा लें अगर आपकी कहानी में पाँच करैक्टर है टेक फाइव कलर पेपर उसको सिंपली फ़ोल्ड कर लें फोल्ड करके ऊपर आप उसकी तस्वीर लगा सकते हैं और बच्चों को कह सकते हैं कि अंदर आप इसकी ट्रेड्स लिख लें या बुक से देख के लिखें ताकि आपको अंदाज़ा हो कि ये किरदार क्या है इसकी शक्ल कैसी है इसके बाल कैसे हैं जब आपने उसको ड्रा किया है और कैसे उसके करेक्टर रिफ़्लेक्ट हो रहे हैं तो बच्चे उन करेक्टर्स को आसानी से याद कर सकते हैं जब चार पाँच करैक्टर्स हों और वो कलरफुल तरीके से उनको कार्ड्स में ड्राप कर लें और अंदर उनके ट्रेड्स को बाकायदा विकैब्रो की फॉर्म में लिख लें इस तरीके से बच्चों की विकैबलरी भी डिवेलप होती है उनकी राइटिंग और वर्बल स्किल्स भी बहुत ही बेहतर तरीके से डेवलप हो सकती हैं